दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। नथिंग फोन वन जितना हाइप मचाया हुआ है अब धीरे धीरे सारी चीजें कम हो रही हैं जैसे जैसे चीजें रिवील हो रही हैं, लेकिन एक स्मार्टफोन और जो जुलाई में लॉन्च होने वाला है जिसका हाइप काफी ज्यादा था और जब लॉन्च होने वाला रहेगा शायद तब भी रहेगा, मैं बात कर रहा हूं गूगल पिक्सल 6a की, जिसका लॉन्च डेट ऑलरेडी 28 जुलाई बताया जा चुका है, लेकिन इंडिया लॉन्च डेट का क्या? सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। बात करते हैं सबसे पहले इसके लॉन्च डेट की, तो इंडिया लॉन्च डेट भी 28 जुलाई ही है। वैसे पहला सेल इसका अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा, जब भी है अर्ली अगस्त समझ लो, लेकिन इसका लॉन्च डेट भी इंडिया में 28 जुलाई ही है। प्राइस उसी दिन शायद आपको पता चल जाए, अच्छी बात है। क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले? बहुत खास नहीं रहेंगे, प्राइस थोड़ी ज्यादा रहेगी स्पेसिफिकेशन हिसाब से, लेकिन गूगल का फोन है तो आपको अच्छे कैमरास, अच्छा यूआई मिलेगा ही मिलेगा, जो कि इसका यूएसपी है। चलिए अच्छी बात है। देन इसके बाद क्या स्पेसिफिकेशन होगा? 6.1 इंच का आपको इसमें ओलेड का पैनल मिलेगा, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज वाला ही होगा, तो वहां पे थोड़ा सा आपको हो सकता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ। रियर साइड पे डुअल कैमरा रहेगा, देखने में जैसा लगता है गूगल के फोन वैसे ही दिखने वाले हैं, ज्यादा कोई डिफरेंसेस रहेगा, सिंपल सा लुक रहेगा। चलिए अच्छी बात है, उस 6 सीरीज जैसी आई ना वैसा ही दिखेगा। चलिए अच्छी बात है। चिपसेट की बात करोगे तो इसमें टेंसर का चिपसेट मिलेगा, गूगल का खुद है, 5nm पे बेस्ड है। स्कोर की बात करोगे तो ये स्नैपड्रैगन 778G से थोड़ा सा ऊपर है और स्नैपड्रैगन 870 से थोड़ा सा नीचे है, तो समझ लो कि ये 6 लाख के आसपास का स्कोर आपको लाके दे देगा। चलिए अच्छी बात है, 5nm पे बेस्ड है तो बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। माली G78 का जीपीयू गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी संभाल लेगा, वहां पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे। देन वही गूगल के स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर आएगा तो क्लीन रहेगा, कुछ ब्लोटवेयर्स ऐड ये सारी चीजें आपको देखने में मिलेंगी, यूआई का एक्सपीरियंस तगड़ा रहेगा। चलिए अच्छी बात है। कैमरा की बात करोगे तो 2 कैमरास हैं, 12.2 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, ओआईएस का सपोर्ट रहेगा। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलने वाला है, रियर से 4K फ्रंट से 1080 कर पाओगे, बोके पैनोरमा सब कर लोगे, कैमरास अप टू द मार्क होने वाली है। चलिए देन इसके बाद बात करते हैं इसके बैटरी की, 4400mAh के आसपास की बैटरी है। देन इसके साथ साथ 18W का चार्जर आएगा और टाइप सी का पोर्ट रहेगा, ये तीनों चीजें मिलने वाली हैं। सेंसर्स की बात करोगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्टीरियो स्पीकर्स एंड जितने भी बाकी सेंसर्स हैं, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब मिल जाएंगे। हाँ, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखना, वहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैटरी का डिपार्टमेंट भी डिसेंट एवरेज ही कहूंगा, बहुत खास नहीं। स्लॉट की बात करोगे तो नहीं रहेगा, मतलब एक्सपांड नहीं कर पाओगे, वेरिएंट एक ही आएगा 6GB 128GB वाला, जिसमें आपको UFS 3.1 और LPDDR5 इनका सपोर्ट मिलेगा, तो वो भी प्लस पॉइंट है, वहां पे भी कोई इशू नहीं है। तो सारी चीजें अच्छी, मतलब डिसेंट टाइप की हैं। वही सिर्फ UI है, कैमरा है, यही चीज इनको आगे रखता है। एंड प्राइसिंग कही जा रही है 35,000 से 40,000 के बीच में होगी इंडिया में। लेट्स सी, देखते हैं किस प्राइस पे लेके आते हैं, और उस प्राइस पे 35,000 से 40,000 के बीच में आप गूगल फोन लोगे 35,000 से 40,000 अगर UI और कैमरा अच्छा हो, बाकी सारी चीजें एवरेज हो, तो आप जरूर बताना मुझे। एंड कैसा लगा स्मार्टफोन इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको, एंड कैसा लगा प्राइसिंग ये बता देना, एंड पसंद आया तो लगा कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद आया, और वेट करोगे नहीं इसका जरूर बता देना। अगर अर्ली अगस्त में लॉन्च हो रहा है, 35 से 40 के बीच में ये स्पेसिफिकेशन आपको देता है, तो आप लोगे या नहीं इसको ये बता देना। चलिए साइड में देखिए बैकटे में, जिसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि अगर ऑप्टिमाइजेशन सही रहता है, कैमरा अच्छे रहते हैं, तो पिक कर सकते हैं इस फोन को। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया कैंसर था, तो के लिए दोस्तों।